प्रदेश की, जहां पर पहले मुजफ्फरनगर के डीआईजी ने कावर रूट पर मौजूद दुकानों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया। इसके बाद न सिर्फ पूरे राज्य में बल्कि पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हो गई। विपक्ष ने इस पूरे मामले पर हमला बोलना शुरू कर दिया। योगी सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी किया और कहा कि पूरे यूपी में कावर रूट पर मौजूद ढाबे, होटल और रेहड़ी वालों को मालिक का नाम लिखना होगा। इसके पीछे तर्क देते हुए बीजेपी ने कहा कि जैसे हर धर्म को अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का हक है, वैसे ही हिंदू धर्म के लोगों को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का अधिकार है। बताना होगा नाम और कावड़ यात्रा से संग्राम कैसे बढ़ गया, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। रेहड़ लगाने वालों को अपनी नाम रेहड़ी पर अपना नाम लिखना होगा। गलत नाम लिखने वाले दुकानदारों पर एक्शन भी होगा। होटल मालिकों को अपना और कर्मचारी का नाम भी बताना होगा, लिखना होगा। कावड़ यात्रियों को सही जानकारी मिले, इसीलिए फैसला लिया गया। अब कावड़ रूट यात्रा पर खाने पीने की जो दुकानें हैं उसके बाहर नेम प्लेट लगाए जाने का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा। इस पूरे मसले पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी कि कल। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एनजीओ ने इस पूरे मामले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। इसे सुनवाई के लिए लिस्ट भी कर लिया गया है। पहचान बताओ और इसी को लेकर के घमासान कैसे बढ़ता जा रहा है वो हम आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कावड़ यात्रा में नेम प्लेट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ये जो एनजीओ है उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। जमीयत उलेमाई हिंद भी फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा। सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी AIMIM ने भी इस मसले को उठाया। बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने भी फैसले का विरोध किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फैसले का समर्थन किया है। एनजीओ ने ये याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल यानी कि 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SBN भट्टी की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। अब कल का दिन इस लिहाज से बेहद ज्यादा अहम हो जाता है। कल से कावड़ यात्रा की औपचारिक क्योंकि शुरुआत भी हो रही है। कल से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट में विवाद पर सुनवाई भी होने वाली है। यह आदेश पहले केवल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के लिए था, लेकिन अब इसे राज्य भर में यानी कि पूरे सूबे में लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे यूपी में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम पहचान लिखना होगा। ऐसा ही एक आदेश उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने भी जारी कर दिया। पहले आदेश यूपी में जारी किया गया था और अब दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में आदेश पहले जारी हुआ, बाद में आदेश की जो सीमा है वो बढ़ी। अब समूचे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस आदेश को जारी कर दिया गया। संसद के पहले बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें नेम प्लेट का मुद्दा उठा। कांग्रेस से गौरव गोगोई, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी और लेफ्ट दलों सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के फैसले को बैठक में उठाया। सर्वदलीय बैठक से बाहर आने के बाद NCP अजीत पवार गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बात की और यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार से नेम प्लेट को लेकर किए गए फैसले को वापस लेने की मांग भी कर दी। योगी सरकार के कावड़ रूट पर दुकानदारों के नामों को लिखने वाले आदेश का NDA के सहयोगी दलों ने भी विरोध किया है। विरोध करने वालों में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड के नेता KC त्यागी, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल हैं। जयंत चौधरी ने नेम प्लेट वाले आदेश की आलोचना की और कहा कि इस मामले को धर्म और सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि कावड़ ले जाने वाले या सेवादार की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वापिस होना चाहिए, समय होना चाहिए या उस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इसको प्रशासन का कोई दबाव, मीरापुर वो चॉइस से लगा रहा है। तो सर मीरा, जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो नीचे को करेगा जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन। तो सरकार के इस आदेश के बाद कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों ने क्या कुछ किया वो आपको बता देते हैं। होटल मालिकों ने अपने नाम के पोस्टर लगाए, कुछ होटल मालिकों ने नाम भी बदला, फल के ठेले पर दुकानदारों ने नाम भी लिख दिया।
सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से यानी कि कल के दिन से ही शुरू हो रही है। राज्य में चार प्रमुख कांवड़ यात्रा मार्ग हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होते हैं और पश्चिम यूपी के जिलों से गुजरते हैं। इनमें से एक प्रमुख कांवड़ यात्रा मार्ग उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होकर पश्चिम यूपी के जिलों से गुजरता है। पश्चिमी यूपी के मार्गों के अलावा पूर्वी यूपी में स्थित वाराणसी से भी कांवड़ यात्रा होती है। झारखंड के देवघर में वो यात्रा समाप्त होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ बाराबंकी गोंडा के बीच भी कांवड़ यात्रा होती है। इसका रूट दिल्ली NCR, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार। कांवड़िए गंगा जल पैदल लेकर अपने घरों के पास से शिवालय में चढ़ाते हैं। दुकानों पर नेम प्लेट लिखने के आदेश का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। इस आदेश में ये नहीं कहा गया है कि किसे कहां से सामान खरीदना है। जो जहां से चाहे वहां से सामान खरीदे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत त्योहार और कांवड़ यात्रा के कुछ नियम है उनका उल्लंघन ना हो, इसी नियत से ये फैसला लिया गया है। अखिलेश जी, विपक्ष के बहुत लोग बोल रहे हैं, देख रहा हूं मैं, कांग्रेस भी बोलती है, हैदराबाद से भी बोला जाता है, अन्य लोग बोल रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी आपको किसने कहा बोलने को? 2006 का अधिनियम उठा लो, खाद्य सुरक्षा का, उसमें किसकी सरकार थी और कौन मुख्यमंत्री था? वो तो आप ही लोगों का, समाजवादी पार्टी का लाया हुआ है अधिनियम 2006 में, आपने लेकर आए थे, हम तो खाली लागू कर रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई दुकानें बंद कर दें, कानून व्यवस्था कैसे खराब हो जाएगा? ये तो कानून व्यवस्था की लेकर आ जा रहा है। और इसमें आप लाओ तो कम्युनल नहीं है, हम लाए तो कम्युनल बन जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ये दो मापदंड नहीं चल सकते। अखिलेश जी, ये दोहरे जो चाल चलित्र चेहरा आप लोगों का है उसको बंद करना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना, लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्योहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। दुकान का नाम भी वो वास्तविक दूसरे नाम से नहीं रख सकते, अगर जो नाम वास्तविक उनका है उसी को वो प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी लोग अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दूसरे नाम लिख लेते हैं। जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो, क्योंकि वो नंगे पैर चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को वो कह के दिन चल के व्रत रखकर पूरा करते हैं। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। योगी सरकार ने जो आदेश दिया है वो जायज है। सनातनी जब कांवड़ लेकर आते हैं तो 200-250 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। जब आप कांवड़ यात्रा में नाम बदलकर, भेष बदलकर अपने होटल और भोजन देते हो, इसका मतलब है ये रूप आ जाएगा मारीच वाला, मृग बन गया है नहीं, कालनेम वाला साधु बन गया है नहीं। तो ऐसे ये नियम बहुत जरूरी है। कांवड़िया जो लोग हैं उनके व्रत का, उनके नियम का पालन रहे, उनके आहार का शुद्धिकरण। वेद कहते हैं आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध होगा तो पूजा लगेगी।